पुलिस की बात सुनकर आरोही ने पूछा, पर क्यों, क्या बात है? आप उत्कर्ष को जानती होंगी, है ना? कल वो एक पुराने घर में बेहोश मिला और वो बहुत जख्मी था। उसके जख्मी होने के कुछ ही वक्त बाद किसी ने आपको उस घर से बाहर निकलते हुए देखा था, तो हमें शक है कि आपने उनकी ये हालत की है, इसलिए पूछताछ के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ये सुनकर आरोही ने एक आह भरी। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद आरोही ने जो कुछ भी हुआ था वो सच सच बता दिया। ये सब सुनकर पुलिस ने गहरी सांस लेकर कहा, आप जानती भी हैं आपकी इस हरकत के लिए आपको जेल हो सकती है। आपने जो कहा मैं समझ गई, क्या अब मैं जा सकती हूँ? ठीक है, हमने आपको सब कुछ क्लियरली बता दिया है, पर ये मैटर अब तक खत्म नहीं हुआ है, हम दोबारा मिलेंगे। आरोही अपनी जगह से खड़ी हुई और घर के लिए निकल गई। आरोही को थोड़ी टेंशन तो हो रही थी, पर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गई। आरोही को अंदर आता देख इंद्राणी ने कहा, अरे आरोही बेटा, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? उनकी बात सुनकर आरोही ने मुस्कुराकर कहा, मॉम मैं अगले कुछ दिनों तक काम पर नहीं जाऊंगी। तभी पीछे से आवाज आई, मॉम लंच का वक्त हो गया है। आरोही कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही शिवानी ने उससे कहा, अरे आरोही तुम भी वापस आ गई, चलो साथ में लंच करते हैं। आरोही को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, इसलिए उसने कहा, आप लोग शुरू कीजिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और एक नौकर को बुलाकर कुछ बताया। कुछ देर बाद आरोही भी नीचे आ गई और सबके साथ खाना खाने बैठ गई। सबने खाना शुरू किया, लेकिन शिवानी ने रोटी और सब्जी का पहला निवाला खाया, उसका मुंह जल गया और आंखों से पानी आ गया। वो चिल्लाने लगी, ये सब्जी इतनी तीखी क्यों है, जल्दी से कोई पानी दो, पानी। इंद्राणी ने उसे पानी पिलाया और फिर गुस्से में कहा, ऐसा करने की किसकी हिम्मत हुई? नौकर को घबराता देख आरोही ने इंद्राणी से कहा, मॉम नौकरों को कुछ मत कहिए, मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। ये सुनकर शिवानी ने गुस्से में कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मुझे तीखा खाने से। आरोही जानती थी कि सब पता चलने पर इंद्राणी उसे जरूर ब्लेम करेंगी, पर फिर भी उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शिवानी के दिमाग में क्या चल रहा है। जिसके मन में मेरा घर तोड़ने का ख्याल हो, मैं उसे अपने घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। वहीं जब इंद्राणी ने आरोही को जाते देखा तो शिवानी से कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि आरोही ने जो किया वो गलत था, लेकिन वो मेरी बहू है और अब उसके पेट में इस खानदान का वंश भी पल रहा है, इसलिए तुम्हें आरोही पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए। शिवानी ये सुनकर शॉक हो गई। उसे तो लगा था कि इंद्राणी उसकी साइड लेगी, पर सब कुछ उल्टा हो रहा था। दूसरी तरफ आरोही लता के रूम में चली गई थी। उन्हें सुलाने के बाद जब वो अपने रूम में जा रही थी तो उसकी नजर शिवानी के कमरे पर पड़ी। दरवाजा खुला था तो उसने देखा कि शिवानी टावल लेकर बाथरूम में दाखिल हुई। ये देखकर आरोही के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने ऊपर जाकर गर्म पानी का वाटर सप्लाई बंद कर दिया। जब वो वापस नीचे आई तो उसे शिवानी के चिल्लाने की आवाज आई। आरोही शिवानी के रूम में आ गई। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, कैसा लगा? जब शिवानी ने आरोही की बात सुनी तो उसने गुस्से में कहा, यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये सब तुमने ही किया है ना? हाँ मैंने ही किया है, और जब तक तुम इस घर से चली नहीं जाती मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करती रहूंगी। पर वो कुछ करती उससे पहले ही शिवानी ने ग्लास पर हाथ रख उसे नीचे गिरा दिया, जिससे उसके टुकड़े हो गए। आरोही कुछ बोलती उससे पहले ही शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लगता है ना कि विक्रम तुमसे प्यार करता है, चलो आज पता कर लेते हैं कि उसके दिल में कौन है, तुम या मैं। आरोही कुछ समझ पाए उससे पहले ही शिवानी ने जमीन पर पड़ा कांच का टुकड़ा उठाया। वो जल्दी से शिवानी के करीब गई, उसने उसके हाथ से कांच का टुकड़ा ले लिया और उसकी कलाई पकड़ ली ताकि वो दोबारा खुद को पहुंचा सके। इतना करके उसने गहरी सांस ली, पर तभी शिवानी जोर से चिल्लाई, आह आरोही ये तुम क्या कर रही हो? विक्रम ये देखो आरोही ने मेरे साथ क्या किया, वो मेरी जान लेना चाहती है, प्लीज मुझे बचा लो। आरोही अब तुमने हद पार कर दी है। ये कहते हुए विक्रम ने अनजाने में ही
आरोही को हल्का धक्का दे दिया, जिस वजह से आरोही पीछे मौजूद दीवार से टकरा गई। पर फिर भी विक्रम को फर्क नहीं पड़ा, उसके इस बर्ताव से आरोही की आंखें फटी रह गई। हालांकि विक्रम का उस पर ध्यान नहीं था, वो शिवानी को लेकर वहां से चला गया। उन्हें जाते देख आरोही की आंखें नम हो गई। अब वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने रोते हुए खुद से कहा, मतलब विक्रम ने जो कुछ वहां कहा था वो सब झूठ था। उन्होंने कहा था कि वो शिवानी से दूर रहने की कोशिश करेंगे, पर आखिर क्या हुआ, मुझे छोड़कर उसके साथ चले गए। कुछ देर तक आरोही इन्हीं सब ख्यालों में डूबी रही। उसे पता ही नहीं चला कि कब एक घंटा बीत गया। अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। उसने अपना सर उठाकर देखा तो विक्रम वहां आया था। उसने गंभीर लहजे में कहा, शिवानी को बहुत गहरा कट लगा है, उसे 12 टांके लगे हैं। विक्रम की बात सुनकर आरोही ने सरकास्टिकली कहा, ओह फिर तो शिवानी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके जवाब में विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें यहां ये बताने नहीं अपने साथ ले जाने आया हूं। ये सुनकर आरोही ने सवालिया नजर से विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुमने शिवानी के साथ गलत किया है, इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अपनी गलती ना होने के बावजूद क्या आरोही शिवानी से माफी मांगेगी? क्या आरोही विक्रम के सामने खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी? क्या उत्कर्ष आरोही के खिलाफ FIR दर्ज करेगा? सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।